हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बस्तर। अचानक से ट्रिप बना है तो भाई लोग का ट्रिप प्लान बना है। पता नहीं 1-2 बजे कितना बजे बना है पता नहीं, पर मेरे को 3 बजे उठा करके बोलते हैं कि बस्तर जाना है। अब क्या कहना चाहिए, किसका प्लान है ये भाई? चलना है मतलब चलना है, ऐसा हो गया। तो अरे भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं इस राइड का पूरा राइड। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 338 किलोमीटर। एक मिनट फोकस करके दिखाता हूँ यार, दिख भी नहीं रहा। तो ये रहा 338 किलोमीटर दिखा रहा है। 6 ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अभी हम लोग फैमिली ढाबा हैं कुछ, तो नाश्ता कर लेते हैं पहले। काफ़ी लंबा रास्ता है तो एनर्जी जरूरी। हाँ अभी मॉर्निंग कितना बज रहा है? 5:30 बज रहा है। अभी हम लोग रायपुर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद आगे का रास्ता देखते हैं कहाँ कहाँ रुकना है। वैसे इस तरह का अचानक से प्लान ना, मतलब इतना लंबा रास्ता है, पहली बार रायपुर के बाद मेरा पहला ट्रिप रहेगा जहाँ मैं रायपुर क्रॉस करूँगा उसके बाद बस्तर के लिए। तो चलते जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। पहला राइड है बस्तर का? बस्तर का पहला राइड हो बाइक में, तो खतरनाक एडवेंचर राइड होने वाला है। हाँ हाँ विशाखापट्टनम भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये ऐसे ऐसे लोगों का प्लान है यहाँ से विशाखापट्टनम? नहीं भैया, तो इस तरह का कुछ रात में प्लान बना होगा मैप देखते हुए। तो दोनों यामा फैमिली एफजेड और R15 इसी पे अपन जाने वाले हैं बस्तर। वो भी फर्स्ट टाइम जाने वाला है दोनों बाइक। तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं, कितना टाइम रहता है अपने पास। और ये रहा फैमिली ढाबा, पंजाबी फैमिली ढाबा। तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया, अब निकलते हैं नेक्स्ट राइड। हाँ सीधे अब देखते हैं रायपुर पार करके अभी धमतरी में रुकेंगे थोड़ी देर। क्या धमतरी, कांकेर, फिर जगदलपुर। अच्छा अच्छा लोकेशन पर रुकते जाएंगे, थोड़ा देखते हैं। बाकी उधर का नया नया जगह है तो ज़्यादातर चांस है कि हम लोग रुकते रुकते ही जाएंगे रास्ते का मज़ा लेते हुए। केशकाल घाटी दिखेगा वहाँ पर, केशकाल घाटी का मोड़, जो इसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो भी देखने को मिल जाएगा गाइस। तो चलते हैं, अभी थोड़ा भगाएंगे और चार्ज भी बचा करके चलेंगे। रास्ता में दिखा दिया जाऊंगा हम लोग खुद लोकेशन देखते देखते जा रहे हैं रास्ता। हम लोग कुछ दिक्कत का है ना, हम लोग आउटर तो होते हुए जाएंगे। फिर अभनपुर, फिर धमतरी जाएंगे अपन, चारामा, कांकेर, अपना रहेगा जगदलपुर। सही चल रहे हैं अपन। सीधे जाना है कि पूछ लेना है।
इधर जाना। अच्छा चलिए धन्यवाद गाइस, ये है धन्हा धमतरी। तो अपन चलते हैं काम पे। तो पंजाबी ढाबा कांकेर, कौन सा मंदिर है पता नहीं। अभी देख सकते इधर का खूबसूरत नजारा, ये मंदिर, पहाड़ रहा कांकेर, चारों तरफ पूरा पहाड़ से घिरा हुआ और हमें रास्ता बटा कर सही रास्ता मिला है। उसके बाद अपन निकलेंगे कोंडागांव में, केप कार्ड कोंडागांव। सतर्क रहे, देख सकते हो कितना खतरनाक है भाई साहब, कहाँ के है बहुत। कोण क्रमांक एक, मोड़ क्रमांक एक, चलिए ये मोड़ क्रमांक एक। बारह मोड़ है इस पे, खतरनाक है पूरा मैन पार्ट, मैन पार्ट वाला से भी खतरनाक। देख सकते हो सामने का पहाड़ दिख रहा है ना, ध्वजा और देते हुए चलो हर मोड़ पे, मजेदार है मोड़ और खतरनाक। कुछ भी चीज जितना अच्छा रहता है उतनी खतरनाक। बीच में कहीं खतरनाक रोड है, पूरा पलट गया है, क्या हाल है, भारी खतरनाक एक्सीडेंट। ट्रक का चक्का वक्का पूरा लेके चले गए, बाकी उसका पुर्जा बच गया है। मोड़ क्रमांक चार, मोड़ क्रमांक तीन जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो वाला मोड़ क्रमांक चार। तो कैसे हैं भैया जी, मजे में? फोटो फोटो लेना बनता है, आगे चलो थोड़ा। ये इधर जाने बनता है क्या, यहाँ से देखने के लिए नीचे नो एंट्री लिखा है यार, यहाँ जाते हैं क्या देख? हाँ क्या कैंप है? अच्छा
नो एंट्री है तब तो। इधर से मस्त दिख रहा था उधर। और सामने आप देख सकते हो अपना छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कला, क्या बोलते हैं इसको, ये पता नहीं कहाँ हॉर्न कौन मार रहा है, हॉर्न रोड तो अलग ही लेवल का है यार, अच्छा है। यहाँ काफी अच्छा सुंदर सुंदर देख सकते हो, यहाँ घड़ी चौक टाइप से कितना प्यारा बना हुआ है, और यहाँ का काफी अच्छा मूर्ति वगैरह बहुत बढ़िया बनाया गया है, जो देखना बनता है, बहुत ही प्यारा सांस्कृतिक धरोहर। तो गाइस देख सकते कितना प्यारा है, यहाँ आपको तालाब देखने को मिल जाएगा बहुत ही सुंदर, और यहाँ मछली मार रहे हैं तालाब में। विनोद साहब ब्लॉग करके, विनोद साहब ब्लॉग करके वो सामने दिखा है ना, यहाँ लिखा है, सर्च मार तो। चलो ठीक है देखते हैं, शॉर्टकट ले जा रहा है, धानपुरी से शॉर्टकट ले जाएगा, अगर ऐसे सीधा जाओगे ना तो थोड़ा आप देर पड़ेगा, अगर शॉर्टकट जाओगे ना भानपुरी से क्या, अच्छा अच्छा भानपुरी दिख रहा है क्या, इस पर लड़का दिखाएगा, हाँ आगे से राइट लेते हैं ना, चलो एक घंटा लगेगा, नहीं यहाँ से ना भानपुरी ज्यादा ज्यादा है ना, वही 15-20 किलोमीटर है भानपुरी, नहीं 25 किलोमीटर है, तो वहाँ से टर्न आउट हो जाओगे ना राइट, हो जाएगा। अच्छा।